देख रहे हैं जीरास्थान आपके साथ, मैं हूं सुमित चौधरी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जोधपुर में दुष्कर्म पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया है, ये बड़ी खबर। जोधपुर में दुष्कर्म पीड़िता ने दिया बच्चे को जन्म। 11 साल की मासूम पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया है। परिजनों ने भोपालगढ़ थाने में FIR दर्ज कराई है। पड़ोसी युवक पर मासूम से दुष्कर्म का आरोप है। लोकलाज के डर से परिवार नहीं आया सामने, ये बड़ी खबर। पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म का आरोप है और जोधपुर में दुष्कर्म पीड़िता ने इस बच्चे को जन्म दिया है। 11 साल की मासूम है जिसने इस बच्चे को जन्म दिया है। अरुण हर्ष जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, 11 साल की मासूम एक बच्चे को जन्म दे रही है और जिस तरीके से हैवानियत का उसे शिकार बनाया गया है, आखिर परिवार की तरफ से इससे पहले शिकायत दर्ज करवाई गई थी? उम्मीद बता दूं, जिस तरह से ग्रामीण परिवेश में एक तो अशिक्षा सबसे बड़ा मामला होता है, जो लोग दूसरा इज्जत को लेकर चुप रहते हैं। अभी ये 9 महीने पुरानी घटना है जिसमें जो मासूम बच्ची थी, जो क्लास 13 पढ़ती थी, उसको पड़ोसी युवक ने मोबाइल दिखाने के बहाने उसके साथ बलात्कार किया था। लोकलाज के डर से परिवार वाले चुप रहे थे और जब बात सामने आई थी, जब बच्ची प्रेगनेंसी की सामने आई थी, उसके बाद में उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। एबॉर्शन का समय जो बीत चुका था, इसके बाद अब बच्ची ने कल जन्म दिया है एक बच्चे को जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में। लेकिन कह सकते हैं जिस तरह से मासूम बच्चे को पड़ोसी, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, पड़ोसी जो हो सकता होता है, जिसके ऊपर लोग कहते हैं पड़ोस में आप रहने वाले व्यक्ति पर विश्वास करें, लेकिन पड़ोसी युवक ने जिस तरह से एक मासूम बच्चे को अपनी धर्मनीति का शिकार बनाया, अब परिवार वालों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस भी जल्दी आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। सुमित, बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर ये, दुष्कर्म पीड़िता 11 साल की मासूम ने एक बच्चे को जन्म दिया है। लोकलाज के कारण इससे पहले परिवार की तरफ से FIR दर्ज नहीं कराई गई थी, शिकायत नहीं करी गई थी। अब इस पूरे मामले में प्रकरण में शिकायत दर्ज परिवार की तरफ से करवाई जा रही है।